स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। वो देखो आ गया नाव वाला। तो महाराज को हमारी खबर देने जा रहे थे। तुमने क्या सोचा? जैसे वो बूटा हमारे हाथों से बच गया, तुम भी बच जाओगे? मोहम्मद गोरी अपने बेटे को चुन चुन कर बेचता है। ये तो उस बूढ़े चाचा की खुशनसीबी थी कि वो बच गए, पर तुम नहीं बचोगे। कल रात सिंदूक को नदी में फेंकते हुए एक नाव वाले ने उस हथियार को देखा है। उसने मुझे नदी के पास वाले मंदिर में बुलाया है। वो नाव वाला मेरा इंतजार कर रहा होगा। तुम चाचा जी का ख्याल रखना। सुल्तान सलामत रहे। हमारे लड़कों ने खबर भेजी है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी बहन की शादी चित्तौड़ के महाराज समर सिंह के साथ तय कर दी है। पूरन मास के दिन शादी होगी। बहुत सारी तैयारियां चल रही है। पृथ्वीराज चौहान इस मौके को यादगार बनाना चाहता है। तो तुम इसे खबर कहते हो? हमने उन बच्चों को पृथ्वी की खुशियों की खबर देने के लिए नहीं भेजा था। एक और खबर भी है सुल्तान। मंगवा के महाराज अंगद की समर सिंह के साथ बहुत पुरानी दुश्मनी है। ये हुई ना खबर। दुश्मन का दुश्मन यानी हमारा दोस्त महुआ के महाराज को मोहम्मद गौरी का बुलावा भेज दिया जाए। जी सुल्तान। और उनसे कहना कि अगर अपने दुश्मन का खात्मा चाहते हैं तो इनकार न करें। इस पूरन मासी की रात पृथ्वीराज चौहान के महल से धूली नहीं अर्थी निकलेगी। पहले वो नाव वाला महाराज तक पहुंचे हमें उसे खत्म कर देना होगा। पहले वो चाचा अभी ये सभी हमारे रास्ते में क्यों आ रहे हैं कुछ समझ नहीं आता। चलो जल्दी चलो। लगता है वो नाव वाला अभी तक नहीं पहुंचा। वो देखो आ गया नाव वाला।
तो तुम महाराज को हमारी खबर देने जा रहे थे। तुमने क्या सोचा, जैसे वो बूढ़ा हमारे हाथों से बच गया तुम भी बच जाओगे? मोहम्मद गोरी अपने बेटे को चुन चुन कर बेचता है, ये तो उस बूढ़े चाचा की खुशनसीबी थी कि वो बच गए। पर तुम नहीं बचोगे। हमारे महाराज के जाल में, ये जाल हमने ही बिछाया था तुम्हें पकड़ने के लिए। हमारे महाराज बिना सबूत के किसी को नहीं पकड़ते। सच्चाई तो यह है कि तुम्हें किसी नाव वाले ने नहीं देखा था, वो तो सिर्फ हमारा नाटक था तुम दोनों को यहां तक लाने के लिए। सच सच बता, कौन हो तुम लोग और किसके इशारों पर काम करते हो? तुमने हमारे सैनिकों को क्यों मारा और उसके बाद जाते हुए हमला किसके लिए कर रहे हो सब कुछ? देखो, अगर तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, अब तुम्हारी जुबानें तुम्हारी जान बचा सकती हैं। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। ठीक है, खत्म कर दो। नहीं, हमें मत मारना। हम बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। बताओ। हम सुल्तान के लिए काम करते हैं। सुल्तान? हाँ, मोहम्मद गौरी। हम ही आपकी सारी खबरें उन तक पहुंचाते हैं और हम ही ने महल में आपके सैनिकों को मारा था। क्यों? क्योंकि वो हमारा राज जान गए थे और आपको बताने जा रहे थे। हमें हमारे सुल्तान ने यह सिखाया है कि अगर दुश्मन हमारे रास्ते में आए तो उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दो, और हम वही करते थे। अब तुम्हारे सुल्तान को तो मैं सब कुछ बताऊंगा। और हमें, आप हमें क्या सजा देंगे? चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।